महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की नई पारी शुरू, विधानसभा में मुख्यमंत्री ने साबित किया बहुमत। उद्धव ठाकरे को समर्थन में मिले 169 वोट, विरोध में नहीं पड़ा एक भी वोट। चार सदस्य वोटिंग से रहे दूर, एक एमएनएस के, दो एमआईएम के और एक विधायक सीपीएम का। उद्धव ठाकरे और सुभाष देसाई नहीं दे सके वोट, दोनों नहीं है सदन के सदस्य। प्रोटेम स्पीकर ने एक एक कर विधायकों की गिनती की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पूरी कार्यवाही लाई। विश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, बीजेपी ने किया सदन का बहिष्कार। कार्यवाही की शुरुआत से ही नारेबाजी, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी के लगे नारे। फडणवीस ने जताया ऐतराज, सभा की कार्यवाही की शुरुआत वंदे मातरम से क्यों नहीं की। फडणवीस, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर उन्होंने उठाए सवाल, फडणवीस साथ लेकर आए थे संविधान की किताब। बीजेपी विधायक टेबल पीट कर लगाते रहे नारे, दादागिरी नहीं चलेगी। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने रखा था बहुमत का प्रस्ताव, एनसीपी की ओर से नवाब मलिक ने रखा प्रस्ताव। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में अपने मंत्रियों का कराया परिचय, इस पर भी फडणवीस ने जताई आपत्ति। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा, महाराष्ट्र के विकास के लिए उनकी पार्टी हमेशा देगी साथ, नई सरकार को बधाई दी। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा, फडणवीस के लिए विपक्ष का नेता बनना भी मुश्किल, चंद्रकांत पाटिल के साथ मुकाबला। दर्शक दीर्घा में मौजूद थे मल्लिकार्जुन खड़गे, सुप्रिया सुले और प्रियंका चतुर्वेदी भी गैलरी में। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, कैबिनेट मंत्रियों के नाम की चर्चा तेज। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी की झोली में मुख्य विभाग, गृह, वित्त, पर्यावरण और वन विभाग। शिवसेना के खाते में शहरी विकास, हाउसिंग, सिंचाई विभाग आने के आसार। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को मिल सकता है राजस्व, लोक निर्माण और एक्साइज विभाग। शिक्षा और उद्योग विभाग को लेकर अभी कुछ तय नहीं, औपचारिक ऐलान बाकी। महाराष्ट्र में स्पीकर पद के लिए नाना पटोले के नाम पर मुहर लगना तय, सोनिया की हरी झंडी के बाद कांग्रेस ने बढ़ाया नाम। बालासाहेब थोरात अभी नाना पटोले एक सीनियर एमएलए है, एमपी भी रहे हैं, इनका नाम खुद सोनिया जी ने फाइनल किया है। स्पीकर पद के लिए नाना पटोले ने भरा नामांकन, कल होगा स्पीकर का चुनाव। बीजेपी ने भी स्पीकर पद के लिए उतारा उम्मीदवार, चंद्रकांत पाटिल ने बताया किशन कठोरे होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने कहा, उद्धव ठाकरे का शपथ ग्रहण अवैध, राज्यपाल से की शिकायत। शायराना मिजाज में थे महाराष्ट्र के नेता, नवाब मलिक ने किया ट्वीट, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभिष के इंतहा और भी हैं। संजय राउत ने भी शेर ट्वीट किया, हमको मिटा सके ना जमाने में ये दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। उधर यूपी के सहारनपुर में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जुलूस, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। भोपाल में साध्वी के घर का घेराव, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। इंदौर में बीजेपी सांसद शंकर लालवानी के घर के बाहर कांग्रेस का हंगामा, केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान खत्म, दोपहर 3 बजे तक डाले गए वोट। गुमला के बिशनपुर में नक्सलियों ने उड़ाया एक पुल, डिप्टी कमिश्नर ने कहा वोटिंग पर कोई असर नहीं। गढ़वा में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी पहुंचे मतदान केंद्र, डाला अपना पहला वोट। डाल्टेनगंज के चैनपुर के बूथ पर जोरदार हंगामा, कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी पर पिस्टल दिखाने का आरोप। झारखंड के चतरा में बड़ी तादाद में महिला मतदाताओं की कतार, कहा पहले मतदान फिर जलपान। लोहरदगा में पोलिंग बूथ पर लंबी कतार, मतदान का दिखा उत्साह। डाल्टेनगंज में भी पोलिंग बूथ पर जमकर वोटिंग, सुरक्षा इंतजाम रहे सख्त। गुमला में पोलिंग बूथ पर दिखी महिला मतदाताओं की भीड़, मतदान के प्रति दिखाई जागरूकता। लोकतंत्र के महापर्व पर गढ़वा में तिरंगे गुब्बारों से सजाया गया पोलिंग बूथ। गढ़वा जिले के 299 बूथों से वेबकास्टिंग, जिला मुख्यालय से निगरानी।
साइबराबाद में एक और महिला का जला हुआ शव बरामद। महिला का शव उसी इलाके से बरामद हुआ जहां वेटरनरी डॉक्टर का मिला था शव। करीब 35 साल की महिला का शव जली हालत में बरामद। तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। साइबराबाद पुलिस ने वेटरनरी डॉक्टर की हत्या और गैंगरेप की आशंका के चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। दो दिन पहले साइबराबाद में वेटरनरी डॉक्टर की जली हालत में बरामद हुआ था शव। स्कूटी पंक्चर होने के बाद आरोपियों ने किया था अगवा। मोटरसाइकिल मैकेनिक ने किया खुलासा। मृतक की स्कूटी लेकर आया था एक युवक। गैंगरेप की पुष्टि के लिए फॉरेंसिक टीम कर रही है तफ्तीश। डॉक्टर समेत महिलाओं की दरिंदगी भरी दो हत्याओं के बाद हैदराबाद में हो रहा है प्रदर्शन। न्याय की गुहार। वेटरनरी डॉक्टर की दरिंदगी भरी हत्या पर आंध्र प्रदेश के गृहमंत्री का बयान। टायर पंक्चर होने पर परिजनों की बजाय पुलिस को फोन करती मृतक तो बच जाती जान। केंद्र सरकार की राज्यों को सलाह। महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच के लिए उठाएं एहतियाती कदम। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा वेटरनरी डॉक्टर की हत्या के केस में दोषियों को होनी चाहिए फांसी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कपास से भरे ट्रक में अचानक लगी आग। हुआ भारी नुकसान। उधर प्याज की बेतहाशा बढ़ी कीमतों पर केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान का बयान। उत्पादन की कमी से दिक्कत। पासवान ने कहा बेमौसम बारिश और बाढ़ से फसल बर्बाद होने से प्याज के उत्पादन में 26% कमी। केंद्र सरकार ने मिस्र ईरान से प्याज आयात करने का किया फैसला। देश में इस वक्त 80 से 120 रुपए किलो तक बिक रहा है प्याज। उपभोक्ता मंत्री पासवान के मुताबिक सरकार के पास 57,000 टन है प्याज का बफर स्टॉक। बजट बिगाड़ने वाले प्याज की खरीद से लोग कर रहे हैं किनारा। बिना प्याज बनाए जाने वाली सब्जियों पर जोर। महाराष्ट्र के धुले में नदी में गिरी पिकअप गाड़ी। हादसे में 7 मजदूरों की मौत 10 जख्मी। मथुरा में एसबीआई की शाखा अचानक बंदूक से चली वहां पर गोली। गार्ड की मौके पर मौत। अलवर में बदमाशों ने रंगदारी नहीं मिलने पर 4 गाड़ियों को फूंका। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एक लड़की को पुलिस ने पकड़ा। हैदराबाद में डॉक्टर की हत्या का कर रही थी विरोध। अनु दुबे नाम की लड़की कर रही थी विरोध। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में मिलने पहुंचा दिल्ली महिला आयोग की टीम। ग्वालियर में रिक्शा चलाते दिखे विधायक। मंत्री और दूसरे विधायक ने की सवारी। उन्नाव में औचक निरीक्षण के दौरान डीएम के सामने अंग्रेजी नहीं पढ़ पाई महिला टीचर। कार्रवाई का आदेश। हाजीपुर में 10 मिनट के अंदर बैंक से लूट की 2-2 वारदात। लाखों लूट कर आरोपी फरार। यूपी के बागपत में कोहरे की वजह से हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रक से कार की टक्कर। एक युवक की मौत 2 घायल। दिल्ली में अपनी दुकान के अंदर मिली महिला की लाश। रेप के बाद हत्या का शक। नोएडा में गौर सिटी के पास की सोसाइटी में दिखी शिकारी बिल्ली। वन विभाग को दी गई है जानकारी। यूपी के संभल में दरिंदगी के बाद जलाई गई नाबालिग लड़की। सफदरगंज अस्पताल में मौत। आरोपी गिरफ्त में। हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने एक मकान पर मारा छापा। देह व्यापार का था अड्डा। यौन शोषण के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद की कोर्ट में पेशी। जमानत पर फैसला सुरक्षित। एसआईटी की चार्जशीट दाखिल करने के बाद दूसरी बार पेशी। 16 दिसंबर को मिली अगली तारीख। लखनऊ में बाइक को बचाने में गड्ढे में जा गिरी बस। 6 गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के बहादुरगढ़ में साइकिल के गोदाम में आग। काबू पाने में लगे 5 घंटे। हरियाणा के सिरसा में प्याज की बढ़ी हुई कीमतों पर बवाल। कांग्रेस का हल्ला बोल। बिहार के बेगूसराय में 2 युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आपसी रंजिश की बताई आशंका। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रिहायशी इलाके में घुसा भालू। इलाके में हड़कंप। वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के सिवनी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जद में आया कांग्रेस नेता का घर। नेता के अधिकारियों को दी गालियां। ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा गांव में आपसी रंजिश में चली गोलियां। 2 लोगों की मौत।
राजस्थान के बीकानेर में ट्रक से पिकअप वैन के टक्कर में 5 लोगों की गई जान, 9 घायल। ग्रेटर नोएडा में पैन ओएसएस कंपनी के निदेशक को किया गया गिरफ्तार, अथॉरिटी के करोड़ों रुपए बकाया भुगतान से जुड़ा है मामला। शादी में हो रही आतिशबाजी से हापुड़ में धागा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। जम्मू कश्मीर के रामबन में सिलेंडर धमाका में 4 लोगों की गई जान, 3 लोग घायल, मैत्रा इलाके में हुआ हादसा। हाजीपुर में लुटेरों का कहर, बिहार ग्रामीण बैंक से करीब 1.5 लाख रुपए की लूट। मौके से फरार हो गए बदमाश, घटा को लेकर कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। झारखंड के सरायकेला में नक्सलियों से मुठभेड़ में एक शख्स के मारे जाने के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन, मुठभेड़ पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। यूपी के महोबा में 14 लाख पौधे गायब, जांच टीम के पहुंचने पर लगाए जा रहे थे नए पौधे। अमेठी में एक महिला ने युवक से की 50,000 रुपए की ठगी, पुलिस ने रुपयों के साथ किया गिरफ्तार। आगरमालवा में पुलिस महकमे की सामने आई लापरवाही, मृत पुलिसकर्मी छोटेलाल का ट्रांसफर सूची में डाल दिया गया नाम। यूपी के आजमगढ़ में जमीन विवाद में पीएससी के जवान की गोली मारकर हत्या, 2 लोग घायल, 1 आरोपी गिरफ्तार। अलवर में जमीन विवाद में एक भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी, पुलिस ने हिरासत में लिया। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अहमदाबाद में अब तक सबसे महंगा चालान कटा, एक पोर्शे कार का कटा 9,80,000 रुपए का चालान। 2,18,00,000 की इस कार को बिना नंबर देखे जाने पर रोका गया, ड्राइवर के पास नहीं था लाइसेंस और ना ही कार के कोई कागजात। पंजाब के बठिंडा में साइकिल पर दुल्हन लेकर आया दूल्हा, पोते की सादगी पर झूमे दादा। आमिर खान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका, लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए शहर में है। प्रवासी पक्षियों से चहचहाया पंजाब का केशवपुर, 15,000 से भी ज्यादा प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी।